अरे तुम्हारा चलो समझ में आया भाई उसमें क्या क्या हमारे डिमांड्स हैं वो आपको जो कैसे हम बताएंगे तो आप सबसे बोल जाएंगे जैसा मैंने कोशिश किया है वो तैयार किया है वो हमारी तरफ से जो है वो आपको दिया जाएगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं एक बार फिर जो है आपका यहाँ वेलकम करता हूँ और खास तौर से मैं अपने बरादर मोहतरम जनाब अजीबो जहीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सारी मेहनत का जो है वो सरन के सर जाता है। मतलब आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है वो अपने घर पर जम्मू जाना पड़ता है ना, अच्छे कोई उसका पाए के स्कूल है कॉलेजेस है ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी तो ये डिमांड भी थी कि शाहस्तार में एक यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए जिस यहाँ के लोगों को ताकि बाहर इतना जाना पड़े और सफर ना हो। इस तरीके से हर महल्ले के अपने मसाइल हैं, हर महल्ले की अपनी मजबूरियां हैं, तो जिन हमने लोगों से गुजारिश की कि आप अपनी जो आपकी परेशानी है उनको लिख करके लाएंगे, वो लिख करके दे दीजिए, वो सारा उसमें हम लिख करके आपके हवाले कर देंगे। और जितनी जो है वो यहाँ की बरादरियाँ हैं, पिछले दिनों यहाँ की जो मारूफ शख्सियत है जनाब रफीक हुसैन खान साहब जो यहाँ के कंसर्न एम एल ए रहे हैं काफी अच्छे से, वो एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनका इंतजार यहाँ हमारे वालिद मरहूम जो है वो सब बराबर आया करते थे, मेरे चचा मौलाना जलील खाली साहब भी यहाँ आए हैं, कल मेरे रिश्ते के दादा लगते मौलाना अली साहब खुला वो भी यहाँ पर आते रहे, लेकिन मुझे आने की कभी तौफीक नहीं मिली, लिहाजा मैं जम्मू इधर से हाजिर हुआ गवर्नर साहब से मिलने के लिए, तो मैंने तय किया कि मैं यहाँ भी मुलाकात करूँ लोगों से। तो हालांकि बहुत लंबा सफर है, रोड भी बहुत खराब है, स्लिप डिस्क भी है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ हाजिर हुआ और यहाँ के लोगों के से बात की और हिंदू भाई भी हमें सब मिले और अहले सुन्नत हज़रात भी शिया हज़रात भी सब मिले और सबकी सिमिलर डिमांड है, एक जैसा डिमांड है कि बहुत पिछड़ा इलाका है ये, यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं गवर्नमेंट को, यहाँ के ऊपर अस्पताल इस तरह से नहीं है कि जहाँ कोई ऐसा सख्त मरीज हो उससे यहाँ पर इलाज हो सके, एजुकेशन में भी बहुत हाई लेवल के एजुकेशन इदारे नहीं है, यहाँ से बच्चों को जम्मू जाना पड़ता है और तो बड़ी दिक्कत होती है, बिजली की परेशानी है, सड़कें तो हमने खुद ही देख ली, मेरे कवर पहले से टूटी हुई थी और थोड़ी बदली टूट गई गवर्नर साहब तो यही कहेंगे इधर जो कि बॉर्डर एरिया है बहुत अहम एरिया है, दूसरे दोनों दो साइड से पाकिस्तान है यहाँ, तो यहाँ डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और यहाँ के लिए खसूसी फंड होते हैं, तो फंड जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाए यहाँ के लिए एजुकेशन के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, अस्पतालों के लिए, और ये सब कामन है, यहाँ हिंदू भाई भी परेशान है, अहले सुन्नत भी परेशान है, शिया भी सब परेशान है, ये नहीं कि कोई एक ही फिरके वाला परेशान है, तो हमारी डिमांड यही रहेगी कि यहाँ जब आपकी सहूलतें जो बेसिक सहूलतें हैं वो उनको यहाँ मिलना चाहिए और यहाँ पर तरक्की हो, यहाँ के नौजवान जो आगे बढ़े और यहाँ जाहिर है कि यहाँ की तरक्की होगी तो एक मिसाल पैदा होगी, भाई एक तरफ पाकिस्तान इधर हिंदुस्तानी लोग हैं, वहाँ जो है गुर्बत है, यहाँ माशाल्लाह सबसे सही सूरत हाल है, तो इससे एक जो है बहुत एक सियासी फायदा भी आलमी तौर पर पहुँचेगा कि इतने अच्छे हालात जो बॉर्डर के लोग उनके हैं।